बोरीवली के कार्टर रोड पर पूर्व नगर सेवक विद्यार्थी सिंह इंदिरा सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को मुफ्त नोटबुक वितरण करते आ रहे हैं। इस मौके पर भाजपा पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक मनीषा चौधरी, भाजपा उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष ने उपस्थित होकर बच्चों को पुस्तक वितरण की। इस दौरान उपस्थित सभी वरिष्ठ नेताओं ने विद्यार्थी सिंह के इस कार्य की खूब सराहना की। विद्यार्थी सिंह काफी समय से अपने वार्ड 13 की जनता के लिए ऐसे नेक कार्य करते आ रहे हैं। विद्यार्थी सिंह हमारे बोरीवली पूर्व के बहुत ही लोकप्रिय नगर सेवक है। गए 30 साल से भी अधिक का समय हो गया होगा, 30 साल से तो मैं लगातार आ रहा हूँ और हजारों बच्चों को हर साल बरसात के दिनों में नोटबुक वितरण का कार्यक्रम करते हैं। इस साल भी उन्होंने किया, बड़ी खुशी हुई इस कार्यक्रम को देखकर। मैं तो हमेशा हर साल आता हूँ। एक नगर सेवक जो होता है वो अपने मतदार संघ के घर परिवार के लोगों का कितना चिंता करता है उससे ये देखते ही बनता है। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार का वो काम करते रहे, लोगों को जोड़ते रहे, स्वयं भी आगे बढ़े और पार्टी को भी आगे बढ़ाए, समाज को भी आगे बढ़ाए। सर, बच्चे को एक मात्र बुक मिलने से कितनी उत्साह होती है, या इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमारे भारतीय जनता पार्टी के चाहे फिर नगर सेवक हो, विधायक हो, नोटबुक बांटते हैं, छतरी बांटते हैं और बच्चियों को स्कूल का फी का भी कभी आवश्यकता पड़ती है तो वो भी देने का काम हम सब लोग मिलकर करते हैं। बड़े पैमाने पे तो नहीं होता है लेकिन बहुत जो जरूरतमंद होते हैं वो आते हैं, उनको हर प्रकार का मदद करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हमारे विद्यार्थी सिंह जी जो ज्येष्ठ नगर सेवक हैं और ज्येष्ठ नेता है, वो हर साल शुक्रवाड़ी और उनके वार्ड के सभी बच्चों के लिए इंदिरा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हर साल वो नोटबुक बांटने का कार्यक्रम करते हैं। ऐसे विद्यार्थी जी एक कायम खुद ही एक विद्यार्थी है। हमारे उप मुख्यमंत्री उन्होंने एक बहुत बढ़िया पहली बार महाराष्ट्र को बजट दिया है, इसमें जो हमारी लड़कियां हैं वो लड़कियों को जिनका इनकम 8 लाख रुपए है उन सभी का ग्रेजुएशन होगा, कॉमर्स में होगा, साइंस में होगा, आर्ट्स में होगा, इंजीनियरिंग में होगा, फार्मेसी में होगा, मेडिकल में होगा, उन सभी का खर्चा गवर्नमेंट कर रही है। लेक लड़की बहन है वो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। महिलाओं के लिए 3 सिलेंडर साल में फ्री देने का कार्यक्रम ये हमारे सरकार ने किया है। ऐसे ही बहुत सारे महिलाओं के लिए जो पिंक रिक्शा 10% खाली उन्होंने भरना चाहिए, वो जो 15 साल से मुंबई में महाराष्ट्र में रहते हैं उनके लिए 70% बैंक से लोन भरना पड़ेगा और हम लोन लेना पड़ेगा और खुद के खाली 10% उनको भर के उनको पिंक रिक्शा देने वाले का काम भी हमारी सरकार कर रही है। ये महिला हर एक महिलाओं को आज 1500 रुपया 21 साल से जो 60 साल की है उनको एक 1500 रुपया देने का काम हमारे सरकार ने किया है। इसीलिए हमारे मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा है कि विद्यार्थी सिंह जी ये गत कई सालों से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कोई एकाध साल इस कार्यक्रम को करना और हर साल इस कार्यक्रम को करना, अब उन्होंने जो मुझे कहा यानी 37 साल हो गए लगभग इतने साल तक इस कार्यक्रम को करना, विद्यार्थियों की मदद करना और मुझे लगता है साल भर में फिर वो मेडिकल कैंप हो, वो बालवाड़ी चलाते, ये भी बात मुझे पता है, तो ये बार बार सामाजिक उपक्रम को करते रहना उनका स्वभाव है। और मैं देख रहा हूँ, मैंने जो बात कही वैसे कि एक साल कार्यक्रम करना आसान होता है लेकिन हर साल उसी तन्मयता के साथ करना, उसी लगन के साथ करना, भी आप देख सकते हैं हजारों बच्चे लाइन में खड़े हैं, कुछ ना कुछ देने की एक जो मन में इच्छा होती है उसके अनुसार विद्यार्थी सिंह जी काम करते हैं। मैं जिला की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं 1987 से ये काम करता हूँ और 37 साल हो गए हैं, 37 साल से ये काम करता हूँ और हर रोज इस काम को बढ़ाता रहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और जैसे ताई ने कहा, गोपाल भाई ने कहा, उन्हीं के रास्तों पे मैं चल के अपना काम करता हूँ। मैं आज भी अपने भली में हो गया हूँ मैं 70 इयर्स का, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं भी अभी बच्चा ही हूँ, विद्यार्थी हूँ, जैसे विद्यार्थी लोगों का काम होते रहे और मैं हमेशा उनके दुख दर्द में, मतलब किसी कोई गरीब है तो उसको मैं फी भी देता हूँ, ड्रेस भी देता हूँ, छतरी भी देता हूँ, मतलब सब
और कोविड के टाइम में जितने लोग हमारे यहाँ भगवान की ऐसी दया हुई कि उसमें लोग मर गए, उनके घर पे जाकर हमने उनको आर्थिक मदद भी दी है, राशन भी दी है, और अभी भी कोई आता है हमारे पास तो उनको देता हूँ। कैंसर का मरीज है उसको खीमो के लिए भी पैसा देते हैं। हमारी संस्था जो इंदिरा सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा मतलब इंदिरा गांधी जी के नाम पे नहीं है, मेरे मदर के नाम पे है। आप लोग ऐसा मेरे मदर का नाम है, मैं इसलिए उनके नाम पे मैं इंदिरा सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता हूँ। इंदिरा गांधी का नाम नहीं है, मेरे माँ का नाम है। तो यानी इंदिरा सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट है, एजुकेशन क्षेत्र में बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है हमारा। एक बाल मंदिर भी चलता है फ्री में, ये डुंगरी में वो बाल मंदिर भी फ्री में पढ़ाते हैं, और उसका टीचर लोग का जो पैसा होता है हम देते हैं। अरे वाह, क्या तो इसलिए ऐसा काम आगे भी करते रहेंगे। और हमारे मनीषा जी का भी आशीर्वाद मेरे ऊपर है, क्योंकि इन्होंने हमारा लास्ट में जो जीवन मेरा बच गया इनके वजह से बच गया है, इसलिए मैं आगे भी काम करते हुए, कोविड में मैं बहुत बीमार हो गया था, इन्होंने इतनी मदद करके रात को 1:30 बजे तक जग के मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराई, और मैं उसमें से उभर कर आ गया हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ जितना हो सकूँ, वो गुजराती में एक कहावत है, फूल नहीं फूलनी पाखड़ी, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं उसको दान करना चाहता हूँ। और कोई कोई गरीब नहीं है, सबसे गरीब तो हम लोग हैं, क्योंकि हम गरीब हैं, जाके बोलते हैं भाई जरा वोट दे देना, तो हम क्यों ना उनको मदद करें। मैं वही समझ कर उनको मदद करता हूँ, आगे भी मदद करते रहूँ। अच्छा, अभी बगल में मनीषा ताई जी खड़ी है, कितनी खुशी हो रही है आपको? नहीं, बहुत खुशी हो रही है, बहन को देख के तो मैं बहुत ही खुश रहता हूँ, ऐसे भी खुश रहता हूँ, उनका नाम रोज लेता हूँ, गोपाल भाई को भी देख कर मैं खुश होता हूँ, गणेश जी को, मैं सबको देख कर मैं खुशी रहता हूँ, कभी दुखी नहीं होता, इसलिए तो मोटा हूँ।